मीठा भी था तब कड़वा कड़वा थू, आज आपको मीठा भी था तब कड़वा कड़वा थू, राशि नहीं राजनीति द्राज धर्म है। मैं दोनों की बात करता हूँ। हमारे बीजेपी के मित्र बोल रहे थे स्टीमर पहली बार चला है। सर बड़े क्षमा और विनय के साथ बोलता हूँ, कहीं आगे आप ये ना बोल दीजिएगा कि गंगा धरती पे आई है तो भागीरथ ने नहीं मोदी जी ने उतारा है। दिस इज वन। मैं प्रियंका गांधी के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा, और मेरे पास में जर्नलिज्म के एक असॉल्ट राइफल है जिसका नाम है AK। मेरे पास में जर्नलिज्म के एक असॉल्ट राइफल है जिसका नाम है AK। ठीक है, अच्छा रुक जाइए, AK के पास में आते हैं, AK के पास में आते हैं। लेट्स टॉक समथिंग वेरी सीरियस। प्रियंका जी, ठीक है, ओके सर, मुझे असॉल्ट राइफल चलानी होगी, आप सब रुक जाइए। AK AK काम कर लेते हैं ना, राजधर्म में AK वार होना बहुत जरूरी है। AK मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए आपने बोला राजधर्म क्या है, असली राजधर्म की अगर डिफिनीशन पूछनी है तो आप जनता के पास हम लोगों को जाना चाहिए। जब आप उनके दुख दर्द सुनेंगे समझेंगे तब हमें पता चलेगा असली राजधर्म क्या है। ये पॉलिटिशियन लोग राजधर्म को अपने तरीके से निभाते हैं, बताते हैं, जनता में प्रोजेक्ट करते हैं। 16 लोकसभा चुनाव में जो आखिर के 5-6 लोकसभा चुनाव है, बहुत करीब से आपने उन्हें देखा है, समझा है, जाना है। और हाँ सर, रुक जाइए, पानी पी लीजिए थोड़ी देर। एक मुझे ये बताइएगा, जो अलग अलग पॉलिटिकल यात्राएं होती है ना, इनका बड़ा प्रभाव होता है। अब पॉलिटिकल यात्राएं कैसी, जो चंद्रशेखर की 1983 की पॉलिटिकल यात्रा थी, पद यात्रा थी, उसका एक अलग प्रभाव था। आडवाणी की रथ यात्रा का एक प्रभाव था, 2011 में अखिलेश की यात्रा का एक प्रभाव था, इसी तरह से इंदिरा गांधी की बेलछी वाली यात्रा का भी एक प्रभाव था। क्या उसी तरह का कोई प्रभाव पूर्वांचल में प्रियंका गांधी की यात्रा डाल पाएगी, और वो भी तब जब नाव के जरिए कर रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट सिंबोलिज्म। राशिद देखिए, आपका क्वेश्चन और आपका एक्सप्लेनेशन बड़ा लॉजिकल है। मैं जल्दी से आपको इसका ऐतिहासिक महत्व बता दूं। किसी न किसी मामले में रामचंद्र जी का जो वनवास हुआ था 14 साल, उनकी भी एक पॉलिटिकल यात्रा थी, क्योंकि एक राजा को हरा करके उन्होंने एक दूसरा राज सिंहासन या राज सत्ता स्थापित की थी। पास्ट में आप देखिए, अमेरिका का एग्जाम्पल लीजिए तो लिंकन ने भी ये चीज ट्रेन से की थी। आपने सही बोला, ये जो पॉलिटिकल यात्राएं होती हैं वो भी भारत जैसे देश में ठीक चुनाव के पहले, चाहे वो जल यात्रा हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे चार्टर्ड ट्रेन से, वायु मार्ग से हो, ये बहुत ही ज्यादा सिंबॉलिक होती है। इसमें पार्टियां करती ये है कि जनता को एक मैसेज देना चाहती है, ताकि वो एक अफेक्शन डेवलप कर सके और लेटर ऑन वोटिंग के दिन पे उसको वोट में कन्वर्ट कर सके। इनका सीधा सा पर्पज ये है। देखिए आपने बोला राजधर्म क्या है, असली राजधर्म की अगर डिफिनीशन पूछनी है तो आप जनता के पास हम लोगों को जाना चाहिए। जब आप उनके दुख दर्द सुनेंगे समझेंगे तब हमें पता चलेगा असली राजधर्म क्या है। ये पॉलिटिशियन लोग राजधर्म को अपने तरीके से निभाते हैं, बताते हैं, जनता में प्रोजेक्ट करते हैं। मैं दोनों की बात करता हूं। हमारे बीजेपी के मित्र बोल रहे थे स्टीमर पहली बार चला है। सर बड़े क्षमा और विनय के साथ बोलता हूं, कहीं आगे आप ये ना बोल दीजिएगा कि गंगा धरती पे आई है तो भागीरथ ने नहीं मोदी जी ने उतारा है। दिस इज वन। मैं प्रियंका गांधी के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा, और बड़े विनय और क्षमा के साथ। सर चार्टर्ड प्लेन से चलने वाले लोग, आप मुझे इतिहास में बता दीजिए, प्रियंका गांधी जी के इतिहास में गंगा सर हमने नहाया है, श्रद्धा हमारे जैसे गरीब लोगों के पास है, हमें जब वक्त मिलता था, वक्त नहीं मिलता था तो वक्त निकाल के हम गंगा नहाने जाते थे, और ढोल बाजा करके नहीं जाते थे, हम नहाते थे। चार्टर्ड प्लेन से चलने वाले लोग चुनाव के ठीक पहले वोट यात्रा कर रही है तो ये गंगा की तरफ से श्रद्धा नहीं है, ये आधुनिक पॉलिटिक्स में, आधुनिक राजनीति में कांग्रेस का राजधर्म है ये। और जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं उनके हिसाब से ये बीजेपी का राजधर्म क्या है, आप देख लीजिए जो आपने शब्द बोले हैं अभी, डॉक्टर महेश शर्मा ने बोले, मुझे बड़ा दुख हुआ, इतने लर्नेड आदमी हैं और इस तरह के शब्द। मैं एक एग्जांपल और दूंगा, चाहे स्मृति ईरानी हो और हजारों बेटियां हैं बहुत सारे नेताओं ने, मायावती का भी है, हमारा देश ऐसा है, मैं तो बोलता हूं समाजवादी पार्टी के जो नेता बैठे थे, सर आपको शर्म नहीं आई ये पढ़ते हुए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप अपने इतिहास को देखिए और आप ये श्लोक पढ़ रहे हैं, आपको तो अधिकार भी नहीं है इस श्लोक के बारे में सोचने और पढ़ने के लिए, आप चैनल पे बोल कैसे रहे हैं, आप जाके इस पे मनन करिए। बड़े विनय के साथ बोल रहे हो, राशन यही राजधर्म है, समाजवादी यही राजधर्म है कि गेस्ट हाउस कौन करने वाले, आज यत्र नारियों से पूछेंते प्रबंध तंत्र देवता बोल रहे हैं, यही राजधर्म है कि
झपटी डाली थी तो उसका उन्होंने झपटी डाली, आपका बड़प्पन तब होता जब आप उसका पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेते। और यही राजधर्म है कि डॉक्टर महेश शर्मा जो इतने पढ़े लिखे डॉक्टर है जिनका नर्सिंग होम इतना बड़ा चल रहा है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, कोई भी नहीं हो आप इनके खिलाफ एक्शन क्या होगा आप मुझे बताओ, आप इनकी टिकट इनकी सीट बंद करोगे? यही वर्ड मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ। कुमार अशोक जी जवाब दीजिए, देखिए आपका स्वागत कैसे होता है। कुमार अशोक जी जवाब दीजिए, राजधर्म यही है, इन पॉलिटिशियनों का राजधर्म यही है। 60 साल में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, कभी जिंदगी में गंगा जल को छूने वाले नहीं आज गंगा यात्रा कर रहे हैं। कुमार अशोक जी पहले जवाब दीजिए, महेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कुछ करेगी क्या बीजेपी? सिर्फ चुनावी वोट छुपाने के लिए सर। कुमार अशोक जी, आता हूँ आपके पास, बताना चाहूंगी। सड़कों में गड्ढे से याद आया, गाजियाबाद से नोएडा का सफर मैं रोज तय करती हूँ। अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था लेकिन रातों रात सड़क बना दी गई थी राष्ट्र, इस पर भी सवाल होना चाहिए। रातों रात सड़क बना दी गई थी। मेरे ख्याल से कुछ चीजें और बीच में लाने की जरूरत है। मैं तस्वीरों में एक चीज देख पा रहा हूँ, प्रियंका गांधी के साथ लगातार सावित्री बाई फुले थी। क्या सिम्बोलिज्म में कुछ और भी आपको नजर आया है क्या? नहीं, डेफिनेटली देखिए बात यहाँ राजधर्म की चल रही है। इन्होंने जो ये बोला इसी से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, चाचा शिवपाल यादव से दिल तो मिल नहीं पाया, दिल मिल रहा है पराए लोगों से, यही राजधर्म है। सावित्री बाई फुले इतने दिनों तक बीजेपी के सीट पे रही, एमएलए रही, यही राजधर्म है कि आज बीजेपी ने टिकट नहीं दिया या नहीं मिल रहा है तो अब उनको कांग्रेस के साथ अपना राजधर्म वो निभा रही है। मैं राशिद बोलना ये चाहता हूँ, राजधर्म क्या होता है ये प्रजा से जाके पूछिए, प्रजा बताएगी राजधर्म क्या है, कितनी दिक्कत है, कितना डेवलपमेंट हुआ। इन नेताओं से राजधर्म ये अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। और दूसरी चीज, सावित्री बाई फुले का जो आपने बोला, सावित्री बाई फुले मैम से कई बार मैं फेस टू फेस डिबेट में बैठा हूँ। देखिए, शी इज ऑल्सो वेरी मच अपॉर्चुनिस्टिक। सबसे बड़ा राजधर्म इन नेताओं का, इन पार्टियों का यही है, कैसे भी करके उनका अस्तित्व बचा रहे, मतलब उनको सीट मिल जाए, उनको टिकट मिल जाए, वो मंत्री मिनिस्टर बन जाए। ये राजधर्म है इन लोगों का, जो इनका राजधर्म केवल राजा के इर्द गिर्द फैला हुआ है। इनका राजधर्म वो राजधर्म नहीं है जो कि जनता पब्लिक सेंट्रिक होता था हमारे पुराने टाइम में, यानी प्रजा पालक जो राजा बोला जाता था। आप सारे नेताओं को देखिए, राजधर्म निभा रहे हैं, सिर्फ अपनी सीट के लिए, अपनी पार्टी की जीत के लिए निभा रहे हैं। इन लोगों ने क्या जनता की भलाई के लिए बात किया अपने चुनावी एजेंडा में? मैं फिर बोलता हूँ, कांग्रेस हो चाहे जो हो, जो कभी गंगा नहाने नहीं गया, जो राम को इन सब चीजों को निगेटिव बोलते थे उनके बारे में, मैं इतिहास दोहराना नहीं चाहता हूँ। चुनाव के ठीक पहले आज आपको गंगा यात्रा, अरे आप पहले कभी जा करके नहाए होते, आचमन किए होते, गंगा जल से लेके कुछ संकल्प किया होता, मैं सब लोगों के लिए ये बोलूंगा, तब तो हम मानते कि हाँ भाई आपके अंदर श्रद्धा है, ये चुनावी श्रद्धा है साहब, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, चाहे बीजेपी संकल्प की बात है, इसलिए जनता के दरबार में जाना है तो त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय की धारणा पर जो काम करेगा वही पावर पंच है। डेफिनेटली देखिए राशिद, है क्या कांग्रेस को रिवाइवल की जरूरत है, प्रियंका गांधी इसीलिए लाई गई है, यही प्रयास कर रही है। आज की डेट में कांग्रेस के लिए राजधर्म यही है, जो चुनौतियां 5 साल शासन कर लेने के बाद, आज बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए राजधर्म यह है कि पिछली परफॉर्मेंस को या तो हम बचा लें और उससे ज्यादा कर लें। जो छोटे छोटे दल हैं उनका राजधर्म आज की डेट में यह है कि संसद में, जैसे पहले राजाओं के यहाँ सीटें लगती थी, संसद में कहीं उनको सीटें मिल जाए, सब लोग अपना राजधर्म कर रहे हैं। लेकिन जनता से तो जरा पूछ लो साहब कि असली राजधर्म क्या है और क्या करना है, इंक्लूडिंग ऑल पार्टी। बीजेपी से कुमार अशोक, समाजवादी पार्टी से मनोज सिंह काका हमारे साथ में है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इंजीनियर अरविंद यादव भी हमारे साथ में है, आरएलडी से जावेद अहमद भी मेरे साथ में है। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल तीखे होंगे, सवाल सीधे होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है, पहले ही हम ये कह दे रहे हैं, चूंकि राजधर्म का सवाल है, जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, सवाल को डिरेल मत कीजिएगा, राजधर्म के इस डिबेट को डिरेल मत कीजिएगा, सीधे सवाल होंगे, सीधा जवाब दीजिएगा, कोई चीख चिल्लाहट नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ सियासत नहीं, सियासत से अलग जा करके सतह पर आकर के आम आदमी की नब्ज टटोलने वाली बात होगी, सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल पर राजधर्म में। अब पहला सवाल कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा जी से मेरा होगा। चंद्रमोहन शर्मा जी, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर प्रयागराज में गंगा के तट पर या संगम के किनारे अगर प्रियंका गांधी आचमन करती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेटे हनुमान जी
की पूजा करती हैं, लेकिन उन चंद लोगों को जिन्हें एतराज है कि प्रियंका गांधी क्यों गंगा की बेटी बन रही हैं, उन्हें आपका जवाब क्या होगा? उन चंद लोगों को आपका जवाब क्या होगा जिनका कहना यह है कि धर्म को अब आप लोग भी इनकैश करना जान भी गए हैं, सीख भी गए हैं, आगे बढ़ भी गए हैं? देखिए राशिद भाई, उन लोगों को जो जवाब देना है वो आज देश की जनता और सूबे की जनता ने देख लिया। उन लोगों को जो अपने आप को हिंदुस्तान में हिंदू का प्रतीक बता के बोला जाता था, आज उनकी जबान से देश की उस लड़की के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया जो मुझे यहाँ पर नहीं कहना चाहिए। उसके साथ साथ उनकी मानसिकता का पता चला गया जो अपने आप को देश की महिला की सुरक्षा के साथ जोड़ते हैं, और देश की महिला के सुरक्षा जोड़ने वाले उस बातों का भी आज उन्होंने प्रमाण दिया उस केंद्रीय मंत्री ने जो अपने आप को सांस्कृतिक के केंद्रीय मंत्री कहे जाते हैं। उसके बाद रही बात, आज देश की जनता को ये भी देखना होगा कि एक ये कह के आया था कि मैं गंगा का लाल हूँ, मैं गंगा का पूत हूँ, ये बन के आया, और क्या हुआ 5 सालों में वो क्या बन गया? चौकीदार। और चौकीदार बनने के बाद भी अगर जब चौकीदार आपने बोला, विपक्ष ने नहीं बोला, देश ने नहीं बोला आपको, आपने बोला कि मैं इस देश का चौकीदार हूं, मैं चौकीदारी करने आया हूं, और आपकी चौकीदारी करते हुए देश के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसके लिए विपक्ष ने आपसे पूछा, देश ने आपसे पूछा, हिंदू के उस एडिटर ने पूछा जो आपसे जवाब मांग रहा था, आपने जवाब ना देते हुए उस चौकीदार के शब्द को भी परिभाषित बदल कर मर्यादा से बाहर लेके चले गए। मैं प्रियंका गांधी का सवाल पूछूंगा तो आप चौकीदार पे चले जाएंगे, मैं प्रियंका का सवाल पूछूंगा तो आप द हिंदू के संपादक पे चले जाएंगे, मैं प्रियंका गांधी का सवाल पूछूंगा तो आप बदजुबानी पर चले जाएंगे। मैंने प्रियंका गांधी की बात की है, क्या आप लोगों को भी धर्म इनकैश करना आ गया है? लेटे हनुमान मंदिर की पूजा, गंगा आचमन, ये सवाल है आप लोगों से। देखिए राशिद भाई, एक हिंदू को किसी तरह का कोई धर्म याद करने की जरूरत नहीं है, एक मुस्लिम को कोई धर्म याद करने की जरूरत नहीं है, इस देश के अंदर सब धर्मों के लोग रहते हैं, उसको कोई धर्म याद करने की जरूरत नहीं है। इस धर्म की प्रवृत्ति इस देश के अंदर बीजेपी सरकार के द्वारा फैलाई गई। अगर आज प्रियंका गांधी पूजा कर रही है तो उस पर किस बात का क्वेश्चन है? पूजा प्रियंका गांधी पूजा घर पे भी करती है तो वहां गई है नेचुरली, जब प्रयागराज में गई है तो प्रयागराज के अंदर जाके वो प्रयागराज के उन जगह के ऊपर ही माथा टेकेंगी ना, किसी और जगह तो नहीं टेकेंगी, वहीं टेकेंगी जो उसकी एक मशहूर चीज है, जहां पर उसका एक ऐतिहासिक तत्व है। तो प्रयागराज में गए हैं तो हनुमानगढ़ी भी जाएंगी, प्रयाग में गई हैं तो अक्षवट भी जाएंगी, प्रयागराज गए हैं तो वहां भी जाएंगे जो अक्षयग्रह हुआ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो भारत के अंदर उस माता की बेटी है जिस माता का गंगा के तट के ऊपर गई है, तो इसके ऊपर कितना हल्ला मचाने की जरूरत है, ये तो बीजेपी वाले बताएंगे। बिल्कुल, बीजेपी से भी सवाल हम करेंगे, और बीजेपी से कुमार अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, सवाल मेरा आपसे इसलिए भी है क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं, प्रियंका गांधी अगर चुनावी दौरे पर हैं, अगर वो आम लोगों के बीच पहुंच रही हैं, तो मर्यादा भूल क्यों जा रही है बीजेपी? एक आरोप लगाने का या फिर निशाना साधने का एक तरीका होता है, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए थी। जो प्रियंका गांधी को कहा गया, क्या वो ठीक है आपके लिहाज से? देखिए, ठीक तो वो भी नहीं है कि जो देश के प्रधानमंत्री को चोर कहा गया। नहीं, आप इस बात का जवाब दीजिए ना, कि प्रियंका गांधी को जो कहा गया क्या वो ठीक है? मैं आपकी बात का ही उत्तर दूंगा, और ये प्रश्न का प्रश्न भी उत्तर है। मैं आपको बता रहा हूं, शंकर के ऊपर बैठा हुआ बिच्छू है ये भी कहा गया। जब मर्यादा, भाषा की मर्यादा दोनों को ही रखनी होती है। कुमार अशोक जी, सुंदर चेहरा चमकाना है, चॉकलेटी चेहरा दिखाना है, और अब पप्पू के साथ साथ पप्पी भी आ गई है, क्या क्या इतना स्तर गिर गया है आप लोगों का? नहीं, ये मैं नहीं, किसी का, मैंने कहा ना, भाषा का संयम और भाषा की मर्यादा सभी को रखनी चाहिए, सभी रखते हैं। और आज की स्थिति यह है कि राजनीति छोटी हो गई है, ईर्ष्या बड़ी हो गई है। जब राजनीति छोटी हो जाती है, ईर्ष्या बड़ी हो जाती है, तो वहां पर एक आवेश पैदा होता है, असंतुलन होता है, और वो आवेश असंतुलन किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और ये उसी का प्रतिबिंब है। निश्चित तौर पर इसको अच्छा नहीं कहा जाएगा, किसी भी तरह से मर्यादा की नहीं कहा जाएगा। कुमार अशोक जी, कुमार अशोक जी, क्रिया कहा जाएगा। कुमार अशोक जी, ससम्मान जानते हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जहां पर ईर्ष्या होती है वहां सब पर आवेश आता है, जहां पर आवेश आता है क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, सब कुछ मान लिया। लेकिन जानते हैं, महेश शर्मा जी एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जो चाल चरित्र और चेहरा इन तीनों का दंभ भरा करती है, एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जहां पर भाषा की मर्यादा भी होती है, राजनीति का शिष्टाचार भी होता है, व्यवहारिक तौर से शालीनता भी होती है, तो ऐसे में क्या ये ईर्ष्या वाकई में आनी चाहिए थी महेश शर्मा में? और अगर ये आई है तो क्या ये माना जाए प्रियंका गांधी से डर गई है बीजेपी? महेश शर्मा जी में नहीं आई है। देखिए,
राशिद जी, आप एक बहुत होनहार और बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका। आपने मेरे ही प्रश्न से मुझको बांध दिया। मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि चाल चेहरा चरित्र एवं चिंतन, चाल चेहरा चरित्र एवं चिंतन हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। ऐसे में महेश शर्मा जी निश्चित तौर पर एक विद्वान भी हैं और वो समाज सेवा के बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वो साधारण, उनके मुंह से अगर यह शब्द निकला है तो वो, मैंने आपसे कहा ना, क्रिया की प्रतिक्रिया है। जो आज ईर्ष्या मोदी के प्रति एक समस्त विपक्षी दलों में है, जो विपक्ष का आचरण, चौकीदार कह दिया तो आप पप्पी बोलेंगे, विपक्ष का आचरण चौकीदार वर्सेस पप्पी, नहीं कुमार अशोक जी चौकीदार, आप तो बेहद शालीन है, चोर, मैं तो आपको व्यक्तिगत जानता हूँ कुमार अशोक जी। कुमार अशोक जी पप्पी को तो एंडोर्स मत कीजिए ना जी, पप्पी को तो एंडोर्स मत कीजिए ना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने माना कि ये शब्द गलत है, मैंने माना ये शब्द गलत है और उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमारे पैनल में वंदना जी भी है। आपने बोला विद्वान, अभी आपने महेश शर्मा जी को विद्वान बोला, चाल चरित्र और चेहरा, यानी आप उसके अंदर पूरी तरह से खड़े हो रहे हैं कि एक विद्वान होते हुए उन्होंने ये बात बोली। या तो आप अपनी बात को वापस करें कि विद्वान है, अगर विद्वान है तो जिस शब्द का वो एक अभद्र शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं एक भारतीय महिला के ऊपर, फिर उसको आप परिभाषित कर रहे हैं विद्वान के साथ, तो यहाँ पर चाल चरित्र चेहरा आपका दिखता है, आपकी पार्टी का दिखता है। कि भाजपा ही दोगले हैं, जो आप कह रहे हैं भाजपा ही दोगले हैं, जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री शंकर के ऊपर, वंदना जी बेहतर बता पाएंगे, खुद एक महिला है वंदना जी, मुझे लगता है कि आपको बीच में आना चाहिए, बताना चाहिए। चोर है, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चोर है, ये क्या है? बिल्कुल जीवन में एक भी भ्रष्टाचार रचना ने राजधर्म का सवाल रचना ने राजधर्म का सवाल संघ विचारक की तरह बढ़ा दिया है, संघ नेत्री की तरह बढ़ा दिया है, और मेरे ख्याल से डॉक्टर वंदना पांडे को इसका जवाब देना ही देना चाहिए। डॉक्टर वंदना पांडे, आप लोग गाइड करते हैं भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं बल्कि सभी को, आप लोग की गाइडेंस ये होती है कि शिष्टाचार किस तरीके से होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, भाषा की सीमा क्या होनी चाहिए, भाषा की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा क्या होनी चाहिए। सीधे ये बताइएगा मैम, क्या ऐसे बयानों की निंदा आप करती हैं? नहीं, मैं पार्टी विशेष की बात ही नहीं कर रहा, निश्चित रूप से महेश शर्मा ने गलत बोला। भारतीय संस्कृति किसी भी महिला के लिए किसी भी तरह के अपशब्द या इस तरह से जिससे उसके सम्मान को क्षति पहुंचती हो उसकी अनुमति नहीं देती। संघ तो बिल्कुल ही इस तरह की बातों पे विश्वास नहीं करता है। हाँ। किस संदर्भ में कहां उस राजनेता ने क्या बात कही है उस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन ये जरूर आऊंगी कि राजनीति में किसी भी महिला के लिए, मैंने जो बात कही है उस पर गौर किया जाए कि किसी भी महिला के लिए अपशब्द नहीं कही जाने चाहिए, सिर्फ इसलिए कि किसी बड़े महान व्यक्तित्व के लिए, किसी बड़े बहुत बड़ी शख्सियत के लिए बात कह दी गई, तो ये ऐसी परिपाटी राजनीति इतनी दूषित हो चुकी है, ऐसी परिपाटी कितने वर्षों से चली आ रही है, जो पहले भी इस तरह की बातें, स्मृति ईरानी के लिए क्या शब्द बोला था आप बताइए, क्या शब्द बोला था उन्होंने स्मृति ईरानी के लिए, तो किसी के लिए भी नहीं, चाहे कुछ भी हो। प्रियंका वाड्रा या प्रियंका गांधी वाड्रा जी इस भारत की बेटी हैं और इस नाते किसी को भी कोई अपशब्द नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन सभी महिलाएं इस भारत की बेटी हैं, सिर्फ प्रियंका गांधी पर ही तहलका मच जाए, दर्द उठ जाए, स्मृति ईरानी के ऊपर भी बहुत अपशब्द और कई ऐसी महिलाओं के ऊपर अपशब्द कहे। अच्छा, मतलब प्रियंका गांधी पर नहीं, सबका गांधी पर तहलका नहीं मचना चाहिए, नहीं मचना चाहिए तहलका प्रियंका गांधी पर, लेकिन तब ये बात देखनी चाहिए कि ये जो दूषित वातावरण हुआ है उसमें सब लोगों ने अपने राज धर्म को भूलने का जरूर प्रयास किया है। आप किसी एक के ऊपर ही आक्षेप, एक सांसद को रूपनखा के साथ, उसकी हंसी को रूपनखा के साथ संबोधित कर देंगे तो उनके कार्यशैली के अंदर उनके प्रवक्ता उनके सांसदों की प्रवृत्ति तो ऐसी आएगी। समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, ओके सर, ओके ओके, चिल्लाहट नहीं, राजधर्म के सवाल पे चिल्लाहट नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके ठीक है, ओके ठीक है मैम, हाँ ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा जी चीख चिल्लाहट नहीं, वंदना मैम चीख चिल्लाहट नहीं, एक एक करके हम सवाल करेंगे। कुमार अशोक जी जल्दी से रिबट कीजिए क्योंकि मनोज सिंह काका से मुझे अगला सवाल लेना है, बहुत जल्दी रिबट कीजिएगा। क्या एक गरीब का प्रधानमंत्री बनना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आज हम एक, अगर परंपरा को तोड़ा है उन्होंने, एक हजूर का बेटा हजूर बने यह परंपरा रही है इस देश की, पहली बार एक मजदूर का बेटा हजूर बना है तो वो किसी को हजम नहीं हो रहा है।
70 साल तक राजसुख भोगा, अभी सुबह सुबह मैं ट्विटर खोल लेता हूँ ना, तो फिर उसके बाद आप लोग का टाइटल, 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 आप लोग का ट
मनोज सिंह का प्रियंका गांधी को लेकर के समाजवादी पार्टी का राजधर्म क्या कहता है? मनोज सिंह काका जी प्रियंका गांधी को लेकर के समाजवादी पार्टी का राजधर्म क्या कहता है? देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा से इस पक्ष का पक्षधर रही है कि राजनीति में भारतीय लोकशाही में और हमारा संवैधानिक हक है, संविधान के प्रियम्बल में है कि सभी को यहाँ अवसर की समानता है, सभी को राजनीति में आने का हक है। और समाजवादी पार्टी तो इस विचारधारा की पार्टी है कि यत्र नारी पूज्यंते रमंत्रे तत्र देवता। और अभी अब बीजेपी के साथ ही संघ के हैं, मुलायम सिंह यादव ने जब कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, यत्र नारी अस्तु पूज्यते रमंत्रे तत्र देवता। नेताजी नेताजी का बयान सेम सेम सेम, एक एक सांसद एक विधायक पे जूते बरसा रहा था, सेम सेम इनका चाल चलन चरित्र वही है, शर्मनाक है। मनोज सिंह काका जी, अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और अगर महिलाओं के लिए गरिमा को लेकर इतनी बात आप कर रहे हैं, इतने बयान आप दे रहे हैं, तो याद कीजिए ना सपा सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित थी। अपराध की जो ग्राफ था वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था। महिलाओं से पूछिए ना, मायावती सुरक्षित नहीं थी? आप मायावती सुरक्षित नहीं थी कि जिस महिला को फूलन देवी जैसे महिला को जिस सामंतियों ने रौंदा था उसको भी देश में भेज करके सबसे सम्मान देने का काम वही पूज्य मुलायम सिंह यादव जी ने किया। अब आप शब्द सुनिए, गेस्ट हाउस कांड, गेस्ट हाउस कांड जो है ना बार बार, गेस्ट हाउस कांड सभी को याद आता है, सम्मान दिया गेस्ट हाउस कांड, हमारे पार्टी गेस्ट हाउस कांड सभी को याद आता है। वक्त की सहूलियत को लेकर राजनीति होती है, शायद वक्त की सहूलियत है ये, ढाई दशक की दुश्मनी भुला दी आप लोगों ने, तो आज आप नारी को पूजने की बात भी कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, हमेशा विचारधारा के आधार पर चलती है, तो कुछ भी होता है। हमारी जो विचारधारा है वही एकदम ठीक आप कह रहे हैं, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट सेल्फिशनेस, साथ होता है तो कुछ भी हो जाता है, ठीक कह रहे हैं आप। मैं समझ सकता हूँ, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को मैंने बता दिया कि उसका चाल चलन चरित्र वही है जो एक सांसद एक विधायक पे लगातार जूते बरसा रहा है, उससे यही दिख रहा है। आरएनडी की तरफ से जावेद अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद अहमद जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने फ्रंट फुट पर ला दिया है प्रियंका गांधी को, पोस्टर गर्ल बना दिया है, आपको लगता है कि कुछ कमाल कर पाएंगे? अभी तक इलेक्शन लड़ी नहीं है, औपचारिक तौर पर राजनीति में अभी अभी शामिल हुई है, लेकिन जिस तरीके से धुआंधार तरीके से रैली कर रही है, मैराथन बैठक करती है 15 से 18 घंटे तक, आपको लगता है कांग्रेस कुछ कमाल कर पाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए कमाल तो जनता करती है, कोई नेता नहीं करता है। प्रियंका जी का संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो राजनीति में आई उनका हम लोगों ने स्वागत भी किया, लेकिन कमाल कौन करेगा धमाल कौन करेगा ये तो जनता जनार्दन तय करती है, हम और आप बैठकर यहाँ नहीं तय करते हैं। निश्चित रूप से जनता फैसला करेगी, जनता अपने मत से किसी भी राजनीतिक दल को उसके नेतृत्व को मान्यता प्रदान करती है या उसकी मान्यता को शायद अरविंद यादव जी कहेंगे कि हाँ कमाल कर पाएगी कांग्रेस, क्योंकि पीएसपीएल और कांग्रेस तो हाथ मिलाने वाले हैं। नहीं ये देखिए, ये अरविंद यादव का अपना मामला है, पीएसपीएल का मामला है जी। आपको लगता है प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कुछ कमाल कर पाएंगी? नहीं देखिए, कहना नहीं चाहिए, यह सत्य है कि प्रियंका गांधी का जो बैकग्राउंड रहा है, जो पिछले चुनाव 2014 में भी उन्होंने भूमिका निभाई थी, तो कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट पड़ता है, बट इतना नहीं इफेक्ट पड़ता कि उनकी अहम भूमिका हो जाए। आज कांग्रेस सबसे बड़ी भूल कर रही है, सभी सेकुलर दलों को इनको एक साथ लेकर के चलना चाहिए, जो इनका घमंड इस समय कांग्रेस की देखी जा रही है कि हम इंजीनियर अरविंद यादव जी,
इंजीनियर अरविंद यादव बड़ा दर्द नजर आ रहा है, कसम से बड़ा दर्द नजर आ रहा है आज इंजीनियर अरविंद यादव, मुझे दिल जले नजर आ रहा है। राशिद जी दिल जले ना 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 राशिद जी ऐसा नहीं, अरे अरविंद भाई बड़े दिल जले नजर आ रहे हैं। मैं बताऊं, अरे बाबा महीने भर पहले आपसे ही तो बात हो रही थी ना मेरी। देखिए ऐसी कोई बात ही नहीं, कैसी चालीसा गाई थी आपने। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस से सेक्युलर जनता पार्टी को हराने, अरे कैसा राजधर्म है आपका, मोदी जी को कैसा राजधर्म है आपका, देश में एक ही दल है, इतनी जल्दी जबान बदल गई, हरा सकता है प्रियंका भी कुछ नहीं, कांग्रेस अहंकारी हो गई आपके लिए। नहीं देखिए दिल जले इसलिए अहंकारी हो गई कि जो इनको अलायंस करना चाहिए, दिल जलता है तो जलने दे चाहिए, वो इन्होंने किया नहीं। आंसू ना बहा गम ना कर। और रही बात क्या बताऊं, देखिए कुमार अशोक बगल में बैठे हुए हैं, कुमार अशोक जी आप दिल जले हैं क्या, ये खुद आप डाइवर्ट कर रहे हैं। अरे नहीं भाई डाइवर्ट कहाँ कर रहे हैं, देखिए नहीं देखिए आज कुमार अशोक जी बताएंगे जी का जो मझधार में कांग्रेस की नैया अटकी हुई है, उस मझधार में अटकी कांग्रेस की नैया को उस पार ले जाने का छोटी सी चेष्टा प्रियंका जी ने की है, और हमें तो खुशी है कि सुदृढ़ स्वच्छ तट, गहरी गंगा, निर्मल पानी, बहता प्रवाह, और हमारे द्वारा मोदी जी द्वारा चलाया गया एक स्टीमर, सुबह चले जाते हैं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बाप रे बाप, गंगा में क्या, गंगा में क्या मोदी जी से पहले किसी ने स्टीमर ही नहीं चलाया, ऐसे में बताइए, ऐसे में स्टीमर नहीं, इसके पहले 500 करोड़ रुपए भाई, एक मिनट चुप रहिए भैया, ठीक है आप बनारस चले जाओ, राजघाट से लेके 80 काम कर लेते हैं ना, राजधर्म में एक बार होना बहुत जरूरी है, देखिए राजधर्म में मेरे पास में जर्नलिज्म की एक असॉल्ट राइफल है जिसका नाम है एके, मेरे पास में जर्नलिज्म की एक असॉल्ट राइफल है जिसका नाम है एके, और मुझे ऐसा लगता है कुमार अशोक जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें, राजधर्म वाली जल्दी से अपनी बात पूरी करें। तो इसमें जो एक निर्मल गंगा प्रवाह, आज तक कभी भी जल प्रवाह को जल मार्ग नहीं बनाया गया, पहली बार जल मार्ग का भी कार्य हुआ है इस प्रदेश में, चाहे वो रेल का यात्रा रही हो सुगम किया, हवाई यात्रा रही हो हमने सुगम किया, जेवर जैसे क्षेत्र में हमने हवाई अड्डा बनाया, प्रयाग में हवाई अड्डा बनाया, काशी में हवाई अड्डा बनाया। कुमार अशोक जी तब तो ये मत कह दीजिएगा कि नवजात शिशु ने इस दुनिया में आकर के जो पहली सांस ली वो भी मोदी जी की वजह से ली, लेकिन ठीक है अच्छा रुक जाइए, एके के पास में आते हैं, एके के पास में आते हैं, लेट्स टॉक समथिंग वेरी सीरियस, प्रियंका जी, ठीक है ओके सर, मुझे असॉल्ट राइफल चलानी होगी, आप सब रुक जाइए, एके एके 16 लोकसभा चुनाव में जो आखिर के 5-6 लोकसभा चुनाव है बहुत करीब से आपने उन्हें देखा है, समझा है, जाना है, और हाँ सर रुक जाइए पानी पी लीजिए थोड़ी देर, एके मुझे ये बताइएगा जो अलग अलग पॉलिटिकल यात्राएं होती है ना इनका बड़ा प्रभाव होता है, अब पॉलिटिकल यात्राएं कैसी, जो चंद्रशेखर की 1983 की पॉलिटिकल यात्रा थी, पद यात्रा थी, उसका एक अलग प्रभाव था, आडवाणी की रथ यात्रा का एक प्रभाव था, 2011 में अखिलेश की यात्रा का एक प्रभाव था, इसी तरह से इंदिरा गांधी की बेलछी वाली यात्रा का भी एक प्रभाव था, क्या उसी तरह का कोई प्रभाव पूर्वांचल में प्रियंका गांधी की यात्रा डाल पाएगी, और वो भी तब जब नाव के जरिए कर रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट सिंबोलिज्म। राशिद देखिए आपका क्वेश्चन और आपका एक्सप्लेनेशन बड़ा लॉजिकल है, मैं जल्दी से आपको इसका ऐतिहासिक महत्व बता दूं, किसी न किसी मामले में रामचंद्र जी का जो वनवास हुआ था 14 साल, उनकी भी एक पॉलिटिकल यात्रा थी, क्योंकि एक राजा को हरा करके उन्होंने एक दूसरा राज सिंहासन या राज सत्ता स्थापित की थी। पास्ट में आप देखिए अमेरिका का एग्जाम्पल लीजिए तो लिंकन ने भी ये चीज़ ट्रेन से की थी। आपने सही बोला, ये जो पॉलिटिकल यात्राएं होती हैं वो भी भारत जैसे देश में ठीक चुनाव के पहले, चाहे वो जल यात्रा हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे चार्टर्ड प्लेन से वायु मार्ग से हो, ये बहुत ही ज्यादा सिंबॉलिक होती है। इसमें पार्टियां करती ये है कि जनता को एक मैसेज देना चाहती है ताकि वो एक अफेक्शन डेवलप कर सके और लेटर ऑन वोटिंग के दिन पे उसको वोट में कन्वर्ट कर सके। इनका सीधा सा पर्पज ये है। देखिए आपने बोला राजधर्म क्या है, असली राजधर्म की अगर डिफिनीशन पूछनी है तो आप जनता के पास हम लोगों को जाना चाहिए, जब आप उनके दुख दर्द सुनेंगे समझेंगे तब हमें पता चलेगा असली राजधर्म क्या है। ये पॉलिटिशियन लोग राजधर्म को अपने तरीके से निभाते हैं, बताते हैं, जनता में प्रोजेक्ट करते हैं। मैं दोनों की बात करता हूं, हमारे बीजेपी के मित्र बोल रहे थे स्टीमर पहली बार चला है,
सर बड़े क्षमा और विनय के साथ बोलता हूँ, कहीं आगे आप ये ना बोल दीजिएगा कि गंगा धरती पे आई है तो भागीरथ ने नहीं मोदी जी ने उतारा है। दिस इज वन। मैं प्रियंका गांधी के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा और बड़े विनय और क्षमा के साथ, सर चार्टर्ड प्लेन से चलने वाले लोग, आप मुझे इतिहास में बता दीजिए, प्रियंका गांधी जी के इतिहास में गंगा सर हमने नहाया है, श्रद्धा हमारे जैसे गरीब लोगों के पास है, हमें जब वक्त मिलता था, वक्त नहीं मिलता था तो वक्त निकाल के हम गंगा नहाने जाते थे और ढोल बाजा करके नहीं जाते थे, हम नहाते थे। चार्टर्ड प्लेन से चलने वाले लोग चुनाव के ठीक पहले वोट यात्रा कर रही है तो ये गंगा की तरफ से श्रद्धा नहीं है, ये आधुनिक पॉलिटिक्स में, आधुनिक राजनीति में कांग्रेस का राजधर्म है ये। और जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं उनके हिसाब से ये बीजेपी का राजधर्म क्या है आप देख लीजिए, जो आपने शब्द बोले हैं अभी डॉक्टर महेश शर्मा ने बोले, मुझे बड़ा दुख हुआ, इतने लर्नेड आदमी हैं और इस तरह के शब्द। मैं एक एग्जांपल और दूंगा, चाहे स्मृति ईरानी हो और हजारों बेटियां हैं बहुत सारे नेताओं ने, मायावती का भी है, हमारा देश ऐसा है, मैं तो बोलता हूं समाजवादी पार्टी के जो नेता बैठे थे, सर आपको शर्म नहीं आई ये पढ़ते हुए, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप अपने इतिहास को देखिए और आप ये श्लोक पढ़ रहे हैं, आपको तो अधिकार भी नहीं है इस श्लोक के बारे में सोचने और पढ़ने के लिए, आप चैनल पे बोल कैसे रहे हैं, आप जाके इस पे मनन करिएगा और बड़े विनय के साथ बोल रहे हो। राशिद यही राजधर्म है, यही राजधर्म है कि गेस्ट हाउस काम करने वाले आज यत्र नारियों से पूछेंगे प्रबंध तंत्र देवता बोल रहे हैं, यही राजधर्म है कि राहुल गांधी ने जब झप्पी डाली थी तो उसका उन्होंने झप्पी डाली, आपका बड़प्पन तब होता जब आप उसका पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेते। और यही राजधर्म है कि डॉक्टर महेश शर्मा जो इतने पढ़े लिखे डॉक्टर है जिनका नर्सिंग होम इतना बड़ा चल रहा है, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, कोई भी आप इनके खिलाफ एक्शन क्या होगा आप मुझे बताओ, आप इनकी टिकट इनकी सीट रद्द करोगे, यही वर्ड मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, यही वर्ड आप सड़क पे जाकर के किसी कुमार अशोक जी जवाब दीजिए, देखिए आपका स्वागत कैसे होता है, कुमार अशोक जी जवाब दीजिए, राजधर्म यही है, इन पॉलिटिशियनों का राजधर्म यही है, 60 साल में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, कभी जिंदगी में गंगा जल को छूने वाले नहीं, आज गंगा यात्रा कर रहे हैं। कुमार अशोक जी पहले जवाब दीजिए, महेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कुछ करेगी क्या बीजेपी, सिर्फ चुनावी वोट छुपाने के लिए सर, कुमार अशोक कुछ बोल रहे हैं, कुमार अशोक जी करो अध्ययन। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी अधिकृत बयान भी आएगा, हमने आपसे पहले भी कहा कि हमारे यहाँ चाल चेहरा चरित्र एवं चिंतन, डॉक्टर महेश शर्मा जी के इस बात के लिए हमने आपसे कहा कि निश्चित तौर पर ये बात गलत थी, विनोद नारायण झा, लेकिन एक चीज हम कहना चाहेंगे कि अगर फूलन देवी जी के लिए अभी यहाँ बैठे हुए प्रवक्ता रौंदरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि सामंतवादियों ने रौंदा, आप सोचिए इनकी क्या सीमा है शब्दों की, जहां शब्दों की मर्यादा समाप्त हो जाती है, जहां पे राजनीति चालाकी शुरू होती है ना, जहां पर सवालों को डक किया जाता है ना, वहां से हम वापस सवाल पर लेकर जाते हैं, एक काम कर लेता है ना, जो देखिए जो मेरा सवाल है जो रचना का सवाल है, बिल्कुल सीधी सी बात है सर, सर प्लीज जो सवाल किया जाए उसी का जवाब दें, ये मेरी गुजारिश है आप सभी से, महानुभावों से, सामान्य जनों से। कुमार अशोक जी आप बोलें और उसके बाद फिर मनोज सिंह काका आप बोलेंगे, चंद्रमोहन शर्मा के पास भी जाना है मुझे, कुमार अशोक जी बोल सकते हैं, जल्दी से बोलिए आप एक सवाल मुझे, सवाल मैंने ये कहा कि निश्चित तौर पर मैं इससे सहमत हूं कि ये एक सियासी यात्रा है, लेकिन अच्छी सी बात है कि उन्होंने यात्रा करने का प्रारंभ किया तो उनको विकास भी दिखेगा, उनको गंगा की गहराई भी दिखेगी, उनको जो है स्टीमर चलता हुआ भी दिखेगा, एक जलमार्ग भी प्रारंभ हुआ है जो प्रयाग से काशी तक ले जा रहा है, और जीवन में कुछ सहना भी सीखना चाहिए, वो तो सारी फाइव स्टार नाव में बैठने से पहले सुन लीजिए सर, नहीं सौ सौ चूहे खाके बिल्ली चली हज को, मैं सौ सौ चूहे खाके बिल्ली चली हज को, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बात तो ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, एक बात बताइएगा, अब चलिए लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, सीरियस पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राजनीति में जनाधार बहुत जरूरी होता है और जनाधार के लिए आपको जमीनी नेता होना बहुत जरूरी होता है, और अगर आज की तारीख में यह कहा जा रहा है कि गांधी क्लैन में अगर कोई बहुत बड़ी नेता या गांधी फैमिली की सुपुत्री अगर सीधे एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई है तो सीधे कांग्रेस महासचिव बन गई,
क्या उन्होंने पूरी पूरे हिंदुस्तान को जाना है? पूरा हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, अटक से लेकर के कटक तक है, और आप तब तक जनाधार के नेता नहीं होते हैं जबकि जनता की आवाज ना समझ सके, जनता की नब्ज को ना टटोल सके, उनकी जरूरत क्या है ये न जान सके, उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये न जान सके। तो ये सवाल तो सर किया ही जाएगा ना कि सीधे पैराशूट पॉलिटिशियन बनकर के आ गई हैं, तो कैसे उन पर भरोसा जताया जाए? देखिए राशिद भाई, आपकी बातों के साथ आपने जनाधार नेता, जनाधार नेता तभी तो है जिसको मेरे बीजेपी के नेता बोल रहे हैं महेश शर्मा जी को विद्वान, क्योंकि विद्वान की उपाधि देने के बाद भी उनकी जबान और उनका मद मस्तिष्क बदल गया, प्रियंका गांधी क्योंकि जनाधार नेता था वो, उन्हें क्या प्रियंका गांधी ने कोई पदयात्रा की है, बड़ी पदयात्रा की है? आज उनकी पॉलिटिक्स से बाहर कभी निकली है? उनका आज पॉलिटिक्स में आंगन हुआ, उससे पहले वो पॉलिटिक्स नहीं करती थी, आज परिपूर्ण तरह से पॉलिटिक्स के अंदर आई, तो उन्होंने आने के बाद करा, इसी के कारण बीजेपी के हर बड़े नेताओं की कार्यकर्ता बनाते हैं, पदाधिकारी बनाते ना आप, बिल्कुल वो कार्यकर्ता की हैसियत से उन्होंने साबरमती आश्रम के अंदर जब अभी हो रहा था उसके अंदर उन्होंने कार्यकर्ता की हैसियत से अपनी तीसरी पंक्ति के अंदर यूपी में एक शब्द चलता है भोकाल, उसी के अंदर वो बैठी, उन्होंने आगे भी बैठी, उन्होंने प्रमाण दिया इस बात का, पूर्वांचल का रहने वाला हूं, पूर्वांचल का रहने वाला हूं, यूपी में एक शब्द चला करता भोकाल जैसा राजनीति। एक मिनट कुमार अशोक जी रुक जाइए, कुमार अशोक जी रुक जाइए, सुनिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक शब्द चला करता भोकाल, पूर्वांचल की राजनीति में भी यह शब्द बड़ा मायने रखता है। प्रियंका गांधी भी महासचिव हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो भोकाल जुड़ा हुआ है इस वक्त राजनीतिक तौर पर प्रियंका गांधी के साथ में, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ क्यों नहीं है? देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अलग जिम्मेवारी है, वो अपने अलग किसको देख रहे हैं, प्रियंका गांधी जी अलग देख रहे हैं, तो प्रियंका गांधी जी जहां से आती है जिस चीज को आ रही है मीडिया उसको फोकस करेगा, जिस काम के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आगे आ रहेंगे तो उसको भी करेगा, तो इसके ऊपर राशिद भाई कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता। अगर कांग्रेस पार्टी ने ये चीज डिसाइड करी तो प्रयागराज के अंदर जाके अगर हमने करा तो प्रयागराज में जब मैंने आपसे बोला डॉक्टर वंदना, क्योंकि हम प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि को देखते हैं, आज जब पहुंची प्रियंका गांधी आम लोगों के बीच में, प्रोटोकॉल तोड़ दिया, आम लोगों के बीच पहुंची, उनकी समस्याएं जानी, छात्रों से मिली, आम लोगों से मिली, इस चीज को आप कैसे देख रही है? देखिए भारतीय राजनीति में और विश्व की राजनीति में मैं ऐसा मानती हूँ कि ये सब पॉलिटिकल आर्ट है, ये सब राजनीतिक कलाबाजियां हैं, और ये सब चुनाव के समय इन कलाबाजियों का बहुत उपयोग करते हैं मैम, बहुत बीजेपी भी कर रही है सभी, मैं कह रही हूँ ना, मैंने ये कहा, मैंने किसी व्यक्ति नहीं, प्लीज मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने जनरल संदर्भ में बात कही है कि भारतीय राजनीति में और विश्व की राजनीति में, मेरी बात पर आप गौर फरमाएं, चर्चिल का भी पॉलिटिकल आर्ट बहुत बहुत ही प्रभावी माना जाता था, हर नेता चाहता है वो अपने पार्टी की महासचिव है, अगर मोदी या योगी प्रोटोकॉल तोड़ते हैं आप लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं तो सराहा जाता है, प्रियंका गांधी प्रोटोकॉल तोड़ती हैं, आम लोगों के बीच पहुंची, यही प्रियंका गांधी जी हैं जिन्होंने ये कहा था रचना जी, यही प्रियंका गांधी जी है जिन्होंने ये कहा था कि मोदी जो है पिछले चुनाव में 2014 के कि ये बाहर के लोग क्यों चले आते हैं उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश और राहुल उत्तर प्रदेश के बेटे हैं, तो उत्तर प्रदेश की वो भी बेटी नहीं, जन्म उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में नहीं लिया है, लेकिन तो आज वो दावा कर रही है ना, भारत सबका है, देश के लोगों ने सबका है, भारत सबका है, और उनका अपना दायित्व, पार्टी का दायित्व, पार्टी का दायित्व निभाया, लेकिन राजनीतिक नेता क्या अचानक उत्पन्न हो जाता है? जमीनी नेता क्या दो दिन में उत्पन्न हो जाता है? और जमीनी नेता क्यों सिर्फ परिवार की राजनीति और प्रचार करने आता है? भारतीय मतलब कांग्रेस में आज तक कोई और महिला महासचिव पद पर शोभित क्यों नहीं हुई, और कोई महिला जो है कांग्रेस के अंदर से अध्यक्ष का अध्यक्षा का पद क्यों नहीं सुशोभित कर पाई? क्योंकि आप भी महिलाएं 15 घंटे बैठक करती हैं, अप्रिशिएट कीजिए, नहीं 15 घंटे बैठक कर अपनी पार्टी के लिए कर रही है, महासचिव ये भी नहीं करेंगे क्या? मैं शिक्षक हूँ, मैं 8 घंटे 10 घंटे और 6-6 घंटे पढ़ाती हूँ, तो मैं शिक्षक हूँ पढ़ाने के लिए आई हूँ, वो राजनीति में आई है, राजनीति कर रही है, युवा नहीं। चंद्रमोहन शर्मा जी ठीक है, पानी पी लीजिए आराम से।
अच्छा एक और चीज मनोज सिंह काका, मैं समझना आपसे चाह रहा था कि क्या प्रियंका गांधी के नाम के साथ में, ये तो ठीक है कि आप बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उसे शायद डर है इसीलिए भाषा की मर्यादा जो है वो उसका पालन नहीं किया जा रहा है प्रियंका गांधी को लेकर के, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में भी प्रियंका गांधी को लेकर के कोई डर है क्या? और यही वो डर है जिसकी वजह से आज कांग्रेस पर बौखलाए हुए अखिलेश भी नजर आए और साथ ही मायावती भी नजर आई। मायावती ने ट्वीट भी कर दिया, अखिलेश यादव ने भी कह दिया, मायावती और अखिलेश ने मिल करके लगभग ये कह दिया कि भाई हमें कांग्रेस के किसी एहसान की जरूरत नहीं है, अगर मैनपुरी में आप नहीं उतारते हमें एहसान नहीं चाहिए, अगर आप कन्नौज में नहीं उतारते हैं तो हमें कोई एहसान नहीं चाहिए। इस तरीके का डर आखिरकार क्यों नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों में? सहूलियत के हिसाब से एहसान लेना भी मुनासिब समझे, ये भी हो सकता है। मनोज सिंह काका जी, ये देखिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी का और आरएलडी का जो गठबंधन है ये बहुत इंटेक है, और कल ही परसों एक इंटरव्यू में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये आम जन का गठबंधन है, और पूर्व में आरएलडी के जैन जी ने कहा कि दिलों का गठबंधन है। तो जब दिलों का गठबंधन होता है तो दिमाग के गठबंधन से ज्यादा स्वाभाविक होता है, और उसमें जो उत्साह उमंग होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप आंकड़ों पे साहब जाएं तो जो विगत हमारा और बीएसपी का ही अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो 21 और 22 पॉइंट समथिंग है, उससे ही हम कई गुना बीजेपी से लगभग 5% ज्यादा हैं इस समय। तो हमारे पास आरएलडी भी है, और आम जन, गांव, गरीब, किसान, नौजवान सबकी इच्छा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये देश नया प्रधानमंत्री चाहता, और मैं आपको इसमें आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस नए प्रधानमंत्री में अगर सबसे बड़ी भूमिका कोई निभाएगा इस पूरे देश में तो अखिलेश जी होंगे और माननीय राष्ट्रीय चाहता है। लेकिन आपके मार्गदर्शक मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि देश को फिर से नरेंद्र मोदी ही चाहिए। खैर, मैं जावेद जी के पास जाना बेहद जरूरी है। जावेद जी, मनोज सिंह काका ये कह रहे हैं कि हमारा जो गठबंधन है वो दिल वाला गठबंधन है, दिमाग वाला गठबंधन नहीं है। थोड़ा सा आप समझाइए, इनके साथ गठबंधन में आप भी हैं, ये दिल वाला गठबंधन क्या होता है और दिमाग वाला गठबंधन क्या होता है? और अगर दिल वाला गठबंधन हुआ है तो प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद ऐसा क्यों कहा जाने लगा है, ऐसा सोशल मीडिया पे क्यों प्रचलित होने लगा है कि अभी तक गठबंधन को राहुल से डर नहीं लगता था साहब, प्रियंका से डर लगता है? जावेद जी, नहीं नहीं राशिद साहब, ऐसा 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 कहीं कुछ नहीं है, और ये सच्चाई है कि ये हमारा गठबंधन दिलों का गठबंधन है। दिलों का गठबंधन इस मायने में है कि जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, जो जनता के सवाल हैं, हमने उन सवालों को लेकर ये गठबंधन किया है कि जनता का जिस तरीके से उत्पीड़न किया गया है, जिस तरीके से उसकी अनदेखी की गई है, उस अनदेखी के चलते ये सारे दिल एक साथ मिले हैं। इसलिए मिले हैं कि जो आम आदमी है इस देश का, उसकी समस्याओं का निराकरण किया जाए, उसका उसके साथ जो पूरे 5 साल छल किया गया है मोदी जी के नेतृत्व में, जो छल छद्म की राजनीति की गई है, जो जो झूठ बोला गया है उसका पर्दाफाश करना था, और जनता को वो सच्चाई बतानी थी कि देखिए आपके साथ क्या किया गया है। मैं झोला उठाऊंगा, चला जाऊंगा लाठी लेकर, माननीय मोदी जी के झोले में कौन कौन निकल रहा है, नीरव मोदी भी निकल गए, मेहुल चौकसी भी निकल रहे हैं, जैन भी निकल रहे हैं, विजय माल्या भी निकल रहे हैं, ये लोग हैं मोदी जी के झोले में। और भाषा की मर्यादा, शब्दों की जो शालीनता की बात कर रहे हैं, राजधर्म निभाने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी भी घोटाले तो सपा सरकार में भी काफी हुए जिनके साथ आपने हाथ मिलाया हुआ है। क्या घोटाले 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 क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस उत्तर प्रदेश में नहीं हुए? कुमार अशोक जी बैठे हुए, जिस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी ने कहा प्रदेश में एक भी सड़क गड्ढा मुक्त, एक एक सड़क गड्ढा मुक्त होगी, किसी भी सड़क पर गड्ढे नहीं होंगे। आज उस जो सड़कें गड्ढा मुक्त की गई उसका बजट कितना था और कहां गया वो बजट? सड़कें आज भी उसी तरीके से हैं, सड़कों में
गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं उत्तर प्रदेश में। गड्ढे तो आपकी की सरकार में हुए होंगे, मुक्त करने ना करने की बात तो अलग है, गड्ढे तो आपकी सरकार में हुए होंगे। आपने गड्ढे क्यों करके रखे थे? जल्दी से कुमार शोजी को सुन लेते हैं, एक बार कुमार शोजी को सुन लेते हैं, एक एक को सुनेंगे, कुमार शोजी को सुनेंगे, एक एक को सुनेंगे, फिर हम ब्रेक लेंगे। कुमार जी, कुमार अशोक जी, जनता पार्टी आपका संगठन है, ठीक है? कुमार अशोक जी, कुमार अशोक जी, कुमार अशोक जी, हाँ ठीक है, तो स्वीकार कर लीजिए। इंजीनियर अरविंद आपके पास के बाद होंगे, कुमार अशोक जी बोल सकते हैं आप स्वीकार करने पर, ठीक है सर? जब कोई उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसता था, अंधेरा और सड़क विहीन मार्ग यह दिखा देता था कि हम अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गए हैं। आज चारों तरफ प्रकाश है, बिजली सबको मिल रही है और पूरी सड़कें बनी हुई, रायबरेली से आते हैं बिना ब्रेक के। मैं कह सकता हूं जावेद भाई से, वो तो ठीक है, ना बोले अगर तो ठीक है, लेकिन राजधानी के बुनियादी सवाल होंगे, वो तो ठीक है, लेकिन राजधानी के कई बुनियादी सवाल है। एक कुमार अशोक जी, कुमार अशोक जी, कुमार अशोक जी आता हूं आपके पास, कुमार अशोक जी आता हूं आपके पास। याद आया, राजल बताना चाहूंगी, सड़कों में गड्ढे से याद आया, गाजियाबाद से नोएडा का सफर मैं रोज तय करती हूं। अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, लेकिन रातों रात सड़क बना दी गई थी राष्ट्र, इस पर भी सवाल होना चाहिए, रातों रात सड़क बना दी गई थी। एक मेरे ख्याल से कुछ चीजें और बीच में लाने की जरूरत है। मैं तस्वीरों में एक चीज देख पा रहा हूँ, प्रियंका गांधी के साथ लगातार सावित्री बाई फुले थी। प्रियंका गांधी के साथ लगातार सावित्री बाई फुले थी, क्या सिंबोलिज्म में कुछ और भी आपको नजर आया है क्या? नहीं, डेफिनेटली देखिए, बात यहाँ राजधर्म की चल रही है। इन्होंने जो ये बोला इसी से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, चाचा शिवपाल यादव से दिल तो मिल नहीं पाया, दिल मिल रहा है पराए लोगों से, यही राजधर्म है। सावित्री बाई फुले इतने दिनों तक बीजेपी के सीट पे रही, एमएलए रही, यही राजधर्म है कि आज बीजेपी ने टिकट नहीं दिया या नहीं मिल रहा है तो अब उनको कांग्रेस के साथ अपना राजधर्म वो निभा रही है। मैं राशिद बोलना ये चाहता हूँ, राजधर्म क्या होता है ये प्रजा से जाके पूछिए, प्रजा बताएगी राजधर्म क्या है, कितनी दिक्कत है, कितना डेवलपमेंट हुआ। इन नेताओं से राजधर्म ये अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। और दूसरी चीज, सावित्री बाई फुले का जो आपने बोला, सावित्री बाई फुले मैम से कई बार मैं फेस टू फेस डिबेट में बैठा हूं। देखिए, शी इज ऑल्सो वेरी मच अपॉर्चुनिस्टिक। सबसे बड़ा राजधर्म इन नेताओं का, इन पार्टियों का यही है, कैसे भी करके उनका अस्तित्व बचा रहे, मतलब उनको सीट मिल जाए, उनको टिकट मिल जाए, वो मंत्री मिनिस्टर बन जाए, ये राजधर्म है इन लोगों का। जो इनका राजधर्म केवल राजा के इर्द गिर्द फैला हुआ है, इनका राजधर्म वो राजधर्म नहीं है जो कि जनता पब्लिक सेंट्रिक होता था हमारे पुराने टाइम में, यानी प्रजा पालक जो राजा बोला जाता था। आप सारे नेताओं को देखिए, राजधर्म निभा रहे हैं, सिर्फ अपनी सीट के लिए, अपनी पार्टी की जीत के लिए निभा रहे हैं। इन लोगों ने क्या जनता की भलाई के लिए बात किया अपने चुनावी एजेंडा में? मैं फिर बोलता हूं, कांग्रेस हो चाहे जो हो, जो कभी गंगा नहाने नहीं गया, जो राम को इन सब चीजों को निगेटिव बोलते थे उनके बारे में, मैं इतिहास दोहराना नहीं चाहता हूं, चुनाव के ठीक पहले आज आपको गंगा यात्रा, अरे आप पहले कभी जा करके नहाए होते, आचमन किए होते गंगा जल से लेके, कुछ संकल्प किया होता, हाँ मैं सब लोगों के लिए ये बोलूंगा, तब तो हम मानते कि हाँ भाई आपके अंदर श्रद्धा है, ये चुनावी श्रद्धा है साहब, मैं आपको क्लियर कट बता दूं। चाहे जिस संकल्प की बात कर रहे हैं ना, आप जिस संकल्प की आप बात कर रहे हैं ना, उस संकल्प में विकल्प नहीं हुआ करते, लेकिन राजनीति के हर एक संकल्प में विकल्प हुआ करते हैं, और जब विकल्प तलाशने वाली राजनीति होती है तभी इस तरीके के चेहरे सामने आते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि देश संकट में नजर आ रहा है, इसलिए मुझे घर से निकलना पड़ा। अरविंद यादव जी, क्या आपको भी लगता है कि देश संकट में है? जी बिल्कुल, आज देश की इतनी हालात खराब है, अभी जैसे उत्तर प्रदेश में बात हो रही थी कि गड्ढा मुक्त सड़क, एक लोग कह रहे थे भाजपा के साथी कि गड्ढा मुक्त सड़क हो गई। इनको पता होना चाहिए कि जब आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करके दे दिया। आज की यह स्थिति है कि गड्ढों में ही सड़क है। दूसरी चीज, सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि यह दिलों का गठबंधन है, दिल मिला है तो गठबंधन है। ये कौन सा दिल है कि उसमें आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का दिल नहीं मिल पाया? ये कौन सा गठबंधन? मैंने इसीलिए कहा ना कि आप तो दिल जले हैं अरविंद भाई, आप तो दिल जले हैं। मैं भी नहीं समझ पाया कि शिवपाल जी का दिल किसी के साथ मिल क्यों नहीं पाया। शिवपाल जी तो इतने सौम्य हैं, इतने मृदुभाषी हैं, बल्कि मैं आपकी भी तारीफ करूंगा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इतने मृदुभाषी हैं, दीपक मिश्रा जी इतने मृदुभाषी हैं, लेकिन दिल नहीं मिल पाया। चाहते हैं कि इस अलायंस में भी जाएं। हाँ देखिए कुमार अशोक जी, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने पहले भी कहा
कि हम इस अलायंस में जाना चाहते, हमें भी सीट दिया जाए। कांग्रेस से भी उन्होंने एक महीने का वेट किया जो आपने चैनलों में चला जगह जगह। और रही बात, हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हटे, आदरणीय मोदी जी। कुमार अशोक जी, एक चीज अभी अभी जब ब्रेक हुआ था एक बात हो रही थी, कुमार अशोक जी एक चीज की तो तारीफ करनी होगी, मेरी बात सुनिएगा आप, कि पॉलिटिक्स में अगर लोकसभा चुनाव का वक्त हो और उस वक्त बड़ा अग्रेशन सा आ जाता है, बहुत बार जबान भी खूब चला करती है, बहुत बार तथ्यों के साथ भी जबान चला करती है, लेकिन एक एक बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे अभी जब ब्रेक हुआ था तब, कि प्रियंका गांधी अपने विरोधियों को या विपक्षियों को टैकल करने के लिए खामोशी का रास्ता अख्तियार कर रही हैं, बहुत ज्यादा कुछ बोलती नहीं है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहती हैं। आपको लगता नहीं कि मौजूदा राजनीति में इस तरह की शालीनता भी बहुत बार खामोशी के साथ ही बहुत वार कर देती है? क्योंकि मेरा खुद का भी मानना यह है कि साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई। बहुत अच्छी बात है, साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई, लेकिन एक समस्या है। अभी आपने एक प्रश्न किया था, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया था कि जो भ्रमण करेगा, गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब आए और वह देश में जब उतरे, उस समय पर उतरते हुए वह देश को देख रहे थे और उसके बाद उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, लोकल ट्रेन में बैठे और साबरमती में जाकर के उन्होंने अपने वस्त्रों का भी त्याग किया। उन्होंने देखा कि इस देश में सबसे ज्यादा गरीब हैं और यहाँ पे लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और जब वो ऊपर से नीचे उतर रहे, देख रहे हैं किसी के पास 10 मीटर का साफा है, किसी के पास 20 मीटर की शेरवानी है, किसी के पास कितनी बड़ी टोपी है और इतना इतना कपड़ा एक एक आदमी पहने हैं, वहां पर ऐसी स्थिति है कि गरीबों के पास वस्त्र नहीं है। आप अपना सीधा संवाद किसी से रखेंगे तो जनता आपको समझेगी। प्रधानमंत्री तो 10 लाख का सूट पहनते हैं अशोक जी। कहना चाहूंगा वो कोई बात नहीं, वो भी एक उत्तर है, उसके ऊपर हम लोग एक बहस रखेंगे, डिबेट रखिएगा। नहीं नहीं, मीठा भी था कब कड़वा कड़वा तू, आज आपको धन्यवाद, मीठा भी था कब कड़वा कड़वा तू, राशि नहीं राजनीति ग्रास धर्म है, मीठा मीठा कब कड़वा कड़वा तू, एक लाइन की डिफिनेशन राजधर्म। मैंने आपको स्पष्ट कहा कि उनका संवाद नहीं है, जब 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 70 साल मेरे को यही आ रहा था कि आपने 70 साल क्यों नहीं बोला, और क्योंकि जहाँ बीजेपी आएगी वहाँ 70 साल से कुछ नहीं हुआ, जहाँ बीजेपी की स्टेट की कोई सरकार होगी वहाँ सपा ने कुछ नहीं किया, कहीं बीजेपी की सरकार कश्मीर को बनाई जाएगी आप सत्ता का लालच करेंगे, आप पीडीपी ने कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल जुड़ेंगे वहाँ असम कुछ नहीं किया, जहाँ आप आएंगे क्या होगा, अपने कंक्लूडिंग अपने कंक्लूडिंग फेज में। ओके सर, एक एक करके मैं सभी को 20 सेकंड देता हूं, मनोज काका जी रुक जाइए, मैं सभी को अंतिम 20 सेकंड देने जा रहा हूं, सभी के लिए अंतिम 20 सेकंड देने जा रहा हूं, एक मिनट सर, सभी को अंतिम 20 सेकंड, जावेद जी 20 सेकंड आपके शुरू होते हैं। आप मिश्रा जी की बात पर अपना कमेंट देना चाहता हूँ कि मिश्रा जी ने एक तरफ जो है एक दल को बड़ा घेरने का प्रयास किया, लेकिन एक चीज जान लीजिए, राजनीति में जब धार्मिक प्रतीकों का उपयोग होता है तो राजनीति कलही हो जाती है, और राजनीति में अगर धर्म का सही तरीके से मिश्रण किया जाए, आधुनिक राजधर्म आप लोगों का यही है, राजनीति जो है जनहितैषी हो जाती है, लेकिन इस देश के अंदर अगर हम धर्म का उपयोग करें तो अच्छा, और मनोज जी अगर धर्म का उपयोग करें तो गलत, मिश्रा जी ये नहीं चलेगा, हम मनोज सिंह काका बोल सकते हैं। एक मिनट के मनोज सिंह काका बोल सकते हैं। मैं बीजेपी के साथियों को बस इनका एक शब्द एक जवाब है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये काम कर देंगे, कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, और दूसरी शेर इन पे है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और बीजेपी ने दरवाजे पे लिख डाला है सच बोलो, तो ये पूरी तरह से झूठ है। इनको मैंने कहा कि एनजीटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, गंगा मैया पहले से ज्यादा मैली हो गई है, इनका चौकीदार कैसे है कि जब नीरव मोदी, ललित मोदी और तमाम माल्या जैसे लोग भाग गए, ये बात करेंगे गांधी जी की और अनुसरण करेंगे उनसे की पूजा करेंगे, तो कुमार अशोक जी राजधर्म वाला सवाल तो ये होना चाहिए ना, कुमार अशोक जी बिल्कुल होना चाहिए, एक मिनट मनोज सिंह का रुक जाइए, राजधर्म वाला ये सवाल होना चाहिए कुमार अशोक जी, बिल्कुल
चौकीदार तो ठीक है, कहां है बुलेट ट्रेन, कहां है धारा 370, कहां है राम मंदिर, कहां है रुपया वर्सेस डॉलर, कहां है स्मार्ट सिटी, कहां है महिला सुरक्षा, कहां पर है रोजगार, स्वच्छ गंगा कहां है, 15 लाख कहां है, कालाधन कहां है, सबका साथ सबका विकास कहां है। वाकई में देश आपसे ये पूछना चाहेगा, जहां पर आप चौकीदार लगाएंगे अपने नाम के ठीक पहले, चौकीदार से सवाल होगा, यकीनन होगा, इसका जवाब आपको देना होगा। कहां है अच्छे दिन, ये देखिए रचना बंसल भी पूछ रहे हैं। 15 लाख रुपए भी नंगाई डैम कहां है? ठीक है कुमार अशोक जी, राशिद जी ये सवाल आप पूछ रहे हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ मोदी को गाली दे रहा है। उनके पास एक चीज है, आज विपक्ष में अटल जी ने इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा। इंदिरा भैया बोल लेने दीजिए यार, बड़ाओगे तो बात ही नहीं होगी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा, लेकिन क्या विपक्ष ने आज अगर अटल जी ने इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा, लेकिन क्या विपक्ष ने कहीं पर तारीफ करने की बात रखी? वो तो अपना विपक्ष धर्म ही निभा पा रहा है। चौधरी चरण सिंह को जिसने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, जिस समाजवादी पार्टी ने छुरा भोपा, आज वो उसकी गोद में जाके बैठ गए, क्या ये सियासत है? पहली बार ये देश राष्ट्रवादी मुद्दे पे लड़ रहा है, पहली बार ये देश प्रधानमंत्री लड़के लिए चुनाव कर रहा है, ये समाजवाद, ये देश सांसद के लिए नहीं लड़ रहा है, कोई नेता नहीं चुना जा रहा है, पहली बार देश प्रधानमंत्री चुनने के लिए लड़ रहा है। चलिए ठीक है अरविंद, रही बात चौकीदार की, अच्छे दिन की, 15 लाख की, किसानों की, नौजवानों की, दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, सब जगह भारतीय जनता पार्टी नाकाम है। 5 साल में एक ही विकास हुआ कि गोड से की विचारधारा वाले लोग आज गांधीवादी विचारधारा पे आके अधिक हो गए। मैं गंगा का पुत्र हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं अहीर हूँ, मुझे देश की जनता को आज प्राइम मिनिस्टर चाहिए, चौकीदार नहीं चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो देश के अंदर 5 सालों में कुछ समस्या हल करता, 70 साल का हवाला ना देता, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद फिर 70 साल का हवाला दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर चाहिए, चौकीदार नहीं चाहिए। वंदना मैम, चुनाव के समय में ये चुनाव धर्म निभाया जा रहा है, ये राजधर्म नहीं निभाया जा रहा है किसी के भी द्वारा। एक दिनों में चुनाव के समय में अकस्मात आकर के जनता से प्रेम दिखा करके किसी भी तरह के सांकेतिक कहते हैं रणनीति को तय करके जनता को लुभाया तो जा सकता है, लेकिन जनता का निर्णय नहीं बदला जा सकता। इसलिए जनता के दरबार में जाना है तो त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये की धारणा पर जो काम करेगा वही पावर पंच है। डेफिनेटली देखिए राशिद, है क्या कांग्रेस को रिवाइवल की जरूरत है, प्रियंका गांधी इसीलिए लाई गई है, यही प्रयास कर रही है। आज की डेट में कांग्रेस के लिए राजधर्म यही है, जो चुनौतियां 5 साल शासन कर लेने के बाद आज बीजेपी के लिए मोदी जी के लिए राजधर्म यह है कि पिछली परफॉर्मेंस को या तो हम बचा लें और उससे ज्यादा कर लें। जो छोटे छोटे दल हैं उनका राजधर्म आज की डेट में यह है कि संसद में जैसे पहले राजाओं के यहाँ सीटें लगती थी, संसद में कहीं उनको सीटें मिल जाए, सब लोग अपना राजधर्म कर रहे हैं। लेकिन जनता से तो जरा पूछ लो साहब कि असली राजधर्म क्या है और क्या करना है, इंक्लूडिंग ऑल पार्टी।